उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाले बलेड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में चंबल नदी के तट पर स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर बड़ा ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु सावन माह में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं बलेड़ी गांव के हजारों स्थानीय निवासी और शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की और हाथों में कांवड़ कलश लेकर करीब 35 किलोमीटर पैदल चले और उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व का भला हो की कामना की। कई वर्षों से यह ग्रामीण और स्थानीय रहवासी महादेव की पूजा अर्चना करने पैदल चलकर कांवड़ कलश हाथों में लेकर आते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, बलेड़ी के हैं। यहाँ से कम कपिलेश्वर महादेव से चलेंगे सीधे उज्जैन, उज्जैन कम से 30 से 35 किलोमीटर पेज पर चल के जाएंगे। सभी वहाँ शिव आराधना करेंगे, जल अभिषेक कराएंगे। करीब कितने वर्षों से आप लोग शिव भक्त ये चलते हैं और हमेशा और हमेशा रहेगी, बोले की इच्छा होगी लोग और हमेशा चलते रहेंगे सभी गाँव नागवासी। करीब कितने किलोमीटर चलेंगे और किस प्रकार से क्या रहता है? हम कपिलेश्वर महादेव अति प्राचीन मंदिर से आ रहे हैं, वो 35 किलोमीटर उज्जैन नागवाल जल का अभिषेक करने जा रहे हैं। करीब कितने वर्षों से आप लोग चल रहे हैं? लगभग 8 साल से, 8वां साल चल रहा है हमारा। वो कम से कम 1500 से 2000 सब महिला पुरुष शामिल है। ये बंडागर तहसील में ग्राम बलेड़ी है, जो यहाँ पे चंबल किनारे अपना कपिलेश्वर महादेव मंदिर है जो अति प्राचीन है। यहाँ से कलश यात्रा गांव बलेड़ी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर जाती है और लगभग दूरी इसकी 30 किलोमीटर है और सभी भक्तजन इसमें भाग लेते हैं और 8 साल से नागराज मित्र मंडली द्वारा इसको चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।